नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। बता दें कि उत्तरकाशी में देर रात को छाड़ाखट में बादल फटने से नगर पंचायत पुरोला के वार्ड नंबर 3 और 4 में भवनों, वाहनों, सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा है। देर रात हुई भारी बारिश के कारण बडकोट तहसील के अंतर्गत गंगनानी में भूस्खलन का मलबा आने के कारण टूरिस्ट कॉटेज क्षतिग्रस्त हुआ है और कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के परिसर में भी मलबा घुसा है। इसके साथ ही पुरोला के छाड़ा खड्ड में भी बादल फटने के कारण भूस्खलन हुआ है। भारी बारिश से भूमि कटाव हुआ, कुछ घरों और दुकानों में मलबा घुस गया। घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल देर रात प्रशासनिक टीम और SDRF के कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से भयानक स्थिति यहां पे दिख रही है। देखिए मलबा कितनी ज्यादा यहां पे नजर आ रहा है और बादल फटने के बाद की तबाही है ये जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। किस तरीके से बादल फटने के बाद कितनी ज्यादा यहां पे तबाही नजर आ रही है। SDRF की टीम, NDRF की टीम मौके पर पहुंच गई है। लोगों को लगातार वहां से बचाया जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, अभी क्या स्थिति वहां पे है, कितने लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है? जी, मैं आपको बता दूं कि उत्तरकाशी में कल रात से हो रही लगातार बारिश से जगह जगह काफी नुकसान हुआ है, जिससे कि लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तरकाशी यमुनोत्री मुंबई मार्ग पर खरादी और चटांगा के पास काफी मतलब आने से होटलों को गाड़ियों को काफी नुकसान हुआ है, जहाँ पे कभी एक दिन मार्ग खोल दिया गया है। लोगों को यहाँ पर लगातार की तरफ से रेस्ट किया जा रहा है और काफी जर्जर स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, जो लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है। कहीं पर पहाड़ों से पत्थर गिरने की लगातार तस्वीरें सामने आ रही है और पैदल पुल जो है कहीं कहीं पर वो भी टूट गया है। पुरोला में छाड़ाखट में बादल फटने से कई गाड़ियां नदी में फंस गई और कई गाड़ियां आपस में टकरा के नदियों में फंसी हुई है और काफी सड़कों को और जो मकानों पर खतरा बना हुआ है। जी जी, बिल्कुल, तस्वीरें हम तक पहुंच रही है कि कितनी भयानक ये तस्वीर निकल के सामने आ रही है। उपेंद्र, यहाँ पे कितने लोग अभी तक फंसे हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि लोगों की अगर बात की जाए तो जगह जगह पर अभी ऐसा अनुमान नहीं लग पा रहा है कि कितने लोग कहाँ पर फंसे हुए हैं। यमुनोत्री में भी काफी लोग फंसे हुए हैं, चनाचट्टी में भी काफी लोग फंसे हुए हैं और कुछ लोग खरादी, बड़कोट और डांडा, पुरोला में भी जगह जगह लोग फंसे हुए हैं। अभी तक आकलन नहीं किया गया है। ठीक है उपेंद्र, आपको रुकना चाहूंगी मैं। इस बीच हमारे साथ जिला अधिकारी जुड़ चुके हैं अभिषेक रुहेला। बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पे। जी धन्यवाद सर, यहाँ पे क्या स्थिति अभी देखने को मिल रही है, कितने रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे चलाए जा रहे हैं, कितने लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है? जी, पुरोला में आज सुबह अतिवृष्टि के कारण कुछ नुकसान हुआ है। छिड़ा की जगह है, वहाँ पे वो कटा हुआ है, पानी बड़ा और पैदल पुल आदि को भी नुकसान हुआ है। साथ ही कुछ व्यवसायिक और आवासीय रोडों में आंशिक क्षति हुआ गया है। तो जैसे ही सूचना मिली थी तो तत्काल मौके पर जिला अधिकारी और बाकी जो डिपार्टमेंट से उनकी टीम वहाँ मौके पर पहुंची है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और जो अनुमंडल राहत राशि उसके वितरण का कार्य भी चल रहा है। इसके साथ ही जो यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग है वो भी करीबन 6-7 लोकेशन पे बाधित हुआ था, 4 लोकेशन अभी ओपन कर ली गई है, बाकी पे भी काम चल रहा है और आने वाले कुछ समय में हम उसको भी खोल पाएंगे। तो किस तरीके से प्रशासन की तैयारी है इससे निपटने के लिए? जी, प्रशासन उसमें पूरी तरह तैयार है और जो भी हमारे रिसोर्सेज है तो हम डिप्लॉय कर रहे हैं। अभी ये जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है अभिषेक जी, वो काफी भयावह तस्वीरें हैं और ऐसे में बात की जाए तो अंदर अभी तक कितने लोग फंसे हैं, काफी घर प्रभावित नजर आ रहे हैं यहाँ पे। तो अभिषेक रुहेला को सुन रहे थे आप, जिलाधिकारी थे और यहाँ पे उनकी तरफ से तमाम बड़ी बातें कही गई। हमारे साथ लगातार उपेंद्र बने हुए हैं। उपेंद्र, जिलाधिकारी को भी आपने सुना, उनकी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द सारे लोगों को यहाँ से निकाला जाए और सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जाए। उपेंद्र जी, मैं आपको बता दूं कि जिलाधिकारी और पुलिस प्रशासन लगातार इसमें नजर बनाए हुए हैं और SDRF की टीम और पुलिस प्रशासन जगह जगह लोगों को जोड़ रही है।
की है, तभी आप लोग आगे का सफर कर रहे हैं। फिलहाल अभी प्रशासन ने अभी यात्रा को रोक दिया गया है, जहाँ तक सुरक्षित स्थान है उन लोगों को वहीं पर रोकने की दिए दी है जी। यहाँ पे कुछ गाड़ियां भी मलबे में दबी हुई नजर आ रही है और घरों की तो बुरी स्थिति यहाँ पे दिख रही है उपेंद्र, तो किस तरीके से लोगों को यहाँ निकाला जा रहा है, क्या कुछ इंतजाम निकालने के लिए किया जा रहा है, क्या हेलीकॉप्टर की सहायता ली जा रही है? जी मैं आपको बता दूं कि जो ये घर टूटे हैं, लोगों ने रात को जब बारिश की आवाज सुनी है, पत्थरों की जब आवाज आई, तो लोग बाकी अपने होटलों से बाहर निकले हैं। जैसे ही ये लोग अपने बाहर निकले वैसे ही तेज बारिश होने से यहाँ पे खड़ा मनवा आने पत्थर आने से लोग इधर उधर भाग गए, जिससे कि लोग सुरक्षित बच गए। और अब फिलहाल चार मवासों की जो पशु है जो दब की मौत हो गई है। और जो उपेंद्र मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ SP जुड़ चुके हैं उत्तरकाशी के, अर्पण बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पे। अर्पण जी बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पे। थैंक यू मैम। ये जिस तरीके की स्थिति अभी बनी हुई है उत्तरकाशी में, क्या लगता है कि कब तक रेस्क्यू कर लिया जाएगा, कितना टाइम लगेगा? देखिए आज और कल जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था मौसम विभाग की तरफ से, तो हमारी जो SDRF की टीम, पुलिस, फायर सर्विस, ये सभी और जिला प्रशासन की टीम सभी अलर्ट मोड पे हैं। ये जो कल जो घटना हुई है उसमें जो है राहत और बचाव दल जो है अभी पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है और बहुत जल्दी जो है ये सब रेस्क्यू कर लिया जाएगा। कितने लोगों के फंसे होने की जानकारी निकल के सामने आ पा रही है सर? देखिए अभी तक कुछ निश्चित नहीं है, बट जैसे जान माल का तो कोई नुकसान अभी तक नहीं है। बाकी राजस्व विभाग जो है क्या हानि हुई है राजस्व की, उसमें अभी आकलन किया जा रहा है उसका। जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है उत्तरकाशी से बादल फटने की, उसमें साफ तौर पे नजर आ रही है किस तरीके से यहाँ पे गाड़ियां धंसी हुई अंदर नजर आ रही है, तो क्या कुछ तैयारी यहाँ पे आपके द्वारा की जा रही है, कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है, किसकी सहायता ली जा रही है? देखिए जो अभी तो हम जो हमारी जो SDRF की टीम्स हैं, जो फायर सर्विस है हमारा और जो पुलिस का जो आपदा दल है और जो QRT टीम्स हैं जिला प्रशासन की, वो लगी हुई है इसमें। और अभी तक किसी की जान की क्या कोई ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ है, जान माल का किसी का कोई नुकसान नहीं है। अभी जो राजस्व की क्षति हुई है उसका आकलन किया जा रहा है और जल्दी से ये जो JCB टीम्स जो है लगी हुई है और ये जल्दी मलबा साफ कर लिया जाएगा। तो कितनी टीम तैनात की गई है रेस्क्यू के लिए? देखिए दो टीम पुलिस की तरफ से है और इतनी ही टीम प्रशासन की भी है, वो लगी हुई है और इसको रेस्क्यू कर लिया जाएगा जल्दी। जगह जगह से ये तस्वीर निकल के सामने आ रही है। उत्तरकाशी की बात की जाए तो कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए इस वक्त बनी हुई है वहाँ पे? देखिए चुनौती हर साल रहती है, क्योंकि उत्तरकाशी जिला जो है जो ये डिजास्टर प्रोन है, आपदा यहाँ पे आती रहती है और जो बादल फटने की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, तो इसे सबक लेते हुए जिला प्रशासन और पुलिस की टीम जो है हम ऑलरेडी हमारा जो है जो हम हमेशा ही अलर्ट मोड पे रहते हैं और जो कल भी जो घटना थी तो उसमें तुरंत संज्ञान लेते हुए टीम जो है रेस्क्यू करने के लिए पहुंच गई थी और अभी जो है रेस्क्यू चल रहा है और जल्दी इसको खत्म कर लिया जाएगा। तो क्या कोई राहत शिविर भी बनाई गई है ताकि रेस्क्यू करके यहाँ पे जो लोग फंसे उनको वहाँ रखा जाए? देखिए जो कल एक सूचना आई थी कि जो कस्तूरबा गांधी छात्रावास में कुछ छात्राएं वो फंस गई हैं, तो उनको वहां से रेस्क्यू करके जो है सुरक्षित स्थानों पर ले आया गया था। और जो भी ऐसे स्थान जो है अति संवेदनशील बने हुए हैं भूस्खलन को लेके, तो वहाँ पे हम आवाजाही पे हमने पूरी तरीके से बैन लगाया गया है और लोगों को जो है विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से और हमारे जो राहत बचाव दल हैं वो भी समझा रहे हैं लोगों को कि उस वहाँ पे ना जाएं। और चुनौतीपूर्ण तो बना हुआ है बट हम हमारी टीम्स जो है पूरी तरीके से अलर्ट मोड जी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए, इंडिया वॉइस के साथ जुड़ने के लिए। तो सुन रहे थे आप SP को, किस तरीके से उनकी तरफ से साफ तौर पे कह दिया गया है कि अभी आकलन किया जा रहा है, रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है, मलबे को जल्द से जल्द हटा लिया जाएगा।
और उत्तरकाशी जिले के यमुना घाटी क्षेत्र में यमुनोत्री हाईवे NH 94 से लगे राजतर और गंगनानी में आधी रात को बारिश का कहर इस कहर बरपा कि दो पशु मलबे के ढेर में दब गए। वहीं तकरीबन 8 से 10 मोटरसाइकिल और चार पहिया वाहन भी मलबे के चपेट में आ गए। इस दौरान लगभग 8 से 10 लोगों ने बामुश्किल अपनी जान बचाई। आपको बता दें कि बादलों के छोटे रूप पनगोले अलग अलग हिस्सों में गिरे हैं, जिससे करीब 12 जगह नुकसान की होने की खबर है। इसके साथ ही 4 से 5 होटलों में मलबा घुसा है और एक कैंप में 2 कॉलेज भी पड़ गए हैं, जबकि 5 मलबे से भर चुके हैं। इसको लेकर प्रशासन के साथ NDRF, फायर ब्रिगेड और पुलिस के जवान आपदा क्षेत्र पर तैनात है और पीड़ित परिवारों को सुरक्षित स्थानों में शिफ्ट किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे भयानक स्थिति है। तस्वीरें एक्सक्लूसिव इंडिया वॉइस आप तक पहुंचा रहा है कि लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। 2 पशु मलबे में बह चुके हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पे पानी का बहाव कितना ज़्यादा है, अपने साथ सबको सब कुछ पानी बहा के ले जा रही है। मलबा जगह जगह इकट्ठा हो चुका है और सबसे ज़्यादा यहाँ पे तकलीफ मलबे से ही हो रही है लोगों को। जी, कल रात अतिवृष्टि के कारण यहाँ पे भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग भी बाधित है अभी और कुछ घरों को और वाहनों को भी नुकसान हुआ है, कुछ पशुओं की भी हानि हुई है। 2 अभी यहाँ पे मौके पे सारी हमारी PWD, NH, फॉरेस्ट, NDRF, SDRF सब लोग मौके पे हैं और राजस्व की टीम भी है, पुलिस की टीम है और इस चीज़ का भी आकलन किया जा रहा है कि किसका कितना नुकसान हुआ है और जो नियमानुसार जो भी आर्थिक सहायता इनको दे होगी वो तत्काल दे दी जाएगी। जी, कल रात से हमको सूचना मिली है, वैसे ही SDRF हमारी फायर और पुलिस ने रात ही में आके रेस्क्यू किया है और सबको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। अभी भी हमारा रेस्क्यू चल रहा है, जैसे पेड़ कटे हुए हैं तो पेड़ जो गिरे हुए हैं उनको हमारी SDRF और फायर रेस्क्यू में लगी हुई है और जल्दी ही स्थिति हम सामान्य कर लेंगे। और जैसे यमुनोत्री मार्ग वाली है, अभी मैसेज करवा दिया गया, पूरा देहरादून मैसेज करा देगी, यमुनोत्री यात्रा बंद रहेगी जब तक कि हमारा सुचारू नहीं होगा। तो कई वाहन भी चढ़े हैं मलबे की भेंट और ऐसे में ये तस्वीरें काफी ज्यादा भयानक है। लगातार हमारे साथ उपेंद्र भी बने हुए। उपेंद्र, ये बटकोट की तस्वीरें हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि ये गंगनानी में कल रात जो ये अधिक वर्षा हुई वहां पर राजीव गांधी बालिका इंटर कॉलेज जो है वहां पर काफी बच्चे जो रात को सो रहे थे वो अधिक खटके आम से पानी जो यहाँ का था वो कमरों में घुस गया और उसी समय उन्होंने SDRF को फोन करके रात वहाँ पहुँच के तो बच्चों को आश्वासन दिया और रात भर वो बच्चों के साथ डटे रहे कि आप लोगों को किस तरह घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग आ गए हैं और बच्चों को हौसला दिया और उनको सुरक्षित स्थान पर रखा हुआ है, जिससे कि जो वहाँ की जो ये टीचर थी, जो महिला थी, जो वो अपने ही कमरे के अंदर जो दब गई थी, तो काफी जो पड़ोसी थे उन लोगों ने उसको खींच के बाहर निकाला, जिसको कि हल्की फुल्की चोटें भी लगी है। जी, 2 पशु भी मलबे में बह चुके हैं, ये जानकारी निकल के सामने आ रही है। जी, मैं आपको बता दूं कि मलबा आने के कारण जो लोगों के जो गौशाला बने हुए थे वो पशु अंदर बंधे हुए थे, वो जैसे ही मलबा आया वो वहीं पर दब गए और जो काफी लोग हैं, जो होटल है, होटलों की स्थिति आप देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ के जो होटल है और जो यहाँ के ये है लोगों के घर है किस तरह से बुरी स्थिति से टूटे हुए हैं। जी उपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और इस बीच अहम जानकारी आ रही है, बता दें भारत नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय झूला पुलों का समय बदल चुका है। मार्च से अक्टूबर तक सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेगा और नवंबर से फरवरी तक सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेगा। समन्वय समिति की बैठक में नेपाल ने ये आग्रह किया था। तो ये अहम जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं, जहाँ पे आपको बता दें कि समय बदल चुका है अब इसके खुलने के लिए। तो भारत नेपाल के बीच अंतरराष्ट्रीय झूला पुलों का समय बदल चुका है और आपको बता दें कि ये समय बदल के मार्च से अक्टूबर तक सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेगा। इसी के साथ जानकारी आप तक पहुंचा दें कि नवंबर से फरवरी तक सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक, यानी कि कुल 12 घंटे तक इसको खोला जाएगा। समन्वय समिति की बैठक में नेपाल ने आग्रह किया था और इसके बाद इसका समय बदल दिया गया है।
तो वहीं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में कंट्रोल पैनल से फैला था करंट, ये जानकारी निकल के सामने आई है। शेड और फिर रेलिंग तक फैला था करंट, प्लांट के भीतर नहीं फैला था बिजली का करंट। रेलिंग पर खड़े 16 लोगों की गई थी करंट से जान और गिरफ्तारी के लिए बनाई गई है 4 कमेटी। तो बता दें कि यहाँ पे जो हादसा हुआ था करंट वाला चमोली में, उसके बाद से ये जानकारी निकल के सामने आई है जांच करने के बाद कि रेलिंग पर खड़े 16 लोगों की जान गई थी क्योंकि रेलिंग पे करंट फैला था। और ऐसे में बता दें गिरफ्तारी के लिए अब 4 कमेटी प्रशासन की तरफ से बना दी गई है। और इस बीच चमोली हादसे से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें कि हादसे में झुलसे 9 लोगों को ऋषिकेश एम्स से छुट्टी मिल गई है, 2 लोगों का उपचार अभी भी जारी है। हादसे में झुलसे 11 लोगों को ऋषिकेश एम्स लाया गया था जिनमें से 9 लोगों को यहां डिस्चार्ज कर दिया गया है, 2 लोगों की उपचार जो है अभी तक चल रहा है। तो 2 लोगों का उपचार अभी तक चल रहा है और लगातार बता दें कि 11 लोग जो है इसमें घायल हुए थे जो कि ऋषिकेश एम्स लाए गए थे। मौसम विभाग ने किया है अलर्ट जारी, अगले 4 दिनों तक बारिश की आशंका जताई गई है। राज्य के सभी जिलों में 4 दिन तक येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग और प्रशासन को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तो और अगले 4 दिनों तक बारिश की आशंका मौसम विभाग के द्वारा जता दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सेवा का अधिकार आयोग के स्तर पर संचालित कार्यक्रमों और प्रक्रियाओं की आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के साथ ही शासन के उच्च अधिकारियों के साथ गहन समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे राज्य की कतिपय अन्य सेवाओं की भांति सेवा का अधिकार के क्षेत्र में भी देश में मॉडल राज्य के रूप में पहचान बने, इस दिशा के प्रयास होना चाहिए। इसके लिए सभी विभागों को समयबद्धता के साथ अपनी सेवाओं को ऑनलाइन किए जाने पर ध्यान देना होगा। और देहरादून पुलिस ने ऐसे 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो इनकम टैक्स के फर्जी ज्वाइंट कमिश्नर बनकर जमीनों की धोखाधड़ी करते थे। पकड़े गए दोनों अभियुक्तों उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले हैं। पुलिस खुलासे के अनुसार दोनों अभियुक्तों ने देहरादून के विकास नगर इलाके में एक किसान की 6 बीघा जमीन को बेचने में फर्जीवाड़े कर 50 लाख रुपए का ग्राहकों से वसूली की। यह मामला तब उजागर हुआ जब इनमें से गगनदीप खुद को इनकम टैक्स ज्वाइंट कमिश्नर बनकर लगातार देहरादून विकास नगर SDM को रॉब से फोन करके रजिस्ट्रार ऑफिस से अपने काम कराने का दबाव बना रहा था। इस मामले की शिकायत जिलाधिकारी देहरादून के पास पहुंची जिसके बाद देहरादून SSP ने मामले का संज्ञान लेते हुए सहारनपुर से दिल्ली फरार होने वाले दोनों शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। गगनदीप सनफ अमनदीप है, सहारनपुर का रहने वाला है और इसका एक सहयोगी है मुंतजीर सन ऑफ इकराम, ये भी सहारनपुर करने वाला है। होता यह है कि गगनदीप जो है एक फर्जी तौर पर गगनदीप एक कमल सिंह ज्वाइंट कमिश्नर इनकम टैक्स बन करके इसने जमीन के खरीद फरोख्त को लेकर के तहसील विकास नगर में वहाँ के SDM को, तहसीलदार को और अन्य अधिकारियों को फोन किया। और बारिश ने एक बार फिर से लोगों की चिंता बढ़ा दी है। शहरी इलाकों में उमस से मिली है राहत, मौसम विभाग ने जिलों में येलो अलर्ट जारी किया था। बारिश ने हरिद्वार के खादर क्षेत्र में लोगों की परेशानी बढ़ाई है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे, चाहे शहरी इलाकों में उमस से लोगों को जहां राहत मिली है तो लगातार बारिश से लोगों की चिंता भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। शहरी इलाकों में उमस से राहत तो मिल चुकी है लेकिन लगातार बारिश कई मुसीबतें लेके आ रही हैं। और ऐसे में बता दें कि मौसम विभाग ने जिले में येलो अलर्ट जारी किया था और कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है, सबको सतर्क रहने के निर्देश उनकी तरफ से लगातार दिए जा रहे हैं। कई इलाके ऐसे हैं चाहे शहरी हो चाहे पहाड़ी हो, हर जगह बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। तो वहीं स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने जिले का एक दिवसीय दौरा किया जहां अपने भ्रमण के दौरान जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्यालीसोड़ का निरीक्षण करने के साथ ही मनेरी गांव में चौपाल आयोजित कर ग्रामीणों से क्षेत्र के विकास से जुड़े मामलों और जन समस्याओं का पर चर्चा करी। साथ ही स्वास्थ्य सचिव ने जनपद भ्रमण की शुरुआत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
चनियाली सोड़ का निरीक्षण कर दवाओं की उपलब्धता की जानकारी भी ली। इस दौरान वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों से भी मिले और उनका हालचाल जाना। हमारे ही जो है इनिशियली हमारी ओर से ये कमिटमेंट था कि यहाँ पे हम लोग हमारे मशीन उपलब्ध कराएं, लेकिन यहाँ पे स्पेस की कमी होने की वजह से हमारे मशीन को उपलब्ध नहीं करा पाए, लेकिन हम कोशिश करेंगे, कोशिश जारी है और इसमें एक सोल्यूशन शायद निकल के आएगा और जल्द से जल्द यहाँ पे हमारे मशीन मिल जाएगी जनपद उत्तरकाशी में। ऐसे देखिए अल्ट्रासाउंड यहाँ पे फंक्शनल है और अच्छी तरीके से काम कर रहा है। जो अल्ट्रासाउंड के ट्रेन टेक्नीशियंस हैं उनको हम लोग 50 से ज़्यादा जो टेक्नीशियंस हैं उनको अल्ट्रासाउंड में ट्रेन कराने की कोशिश करेंगे। और बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में अब अवनीश नेगी को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया है। अंकिता भंडारी के परिजनों की ओर से डीएम पौड़ी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री से आग्रह किया गया था कि पूर्व में केस की पैरवी कर रहे थे कि जितेंद्र रावत की ओर से लगातार केस को कमजोर करने का काम किया जा रहा है और उन्हें नया अधिवक्ता मुहैया करवाया जाए। सरकार की ओर से अंकिता के परिजनों की मांग को स्वीकार करते हुए उन्हें नया अधिवक्ता दिया गया है। अवनीश नेगी अब अंकिता भंडारी केस की पैरवी करेंगे। इस संबंध में अंकिता भंडारी के परिजनों की तरफ से एक आग्रह पत्र या अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया था माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, और उसके अतिरिक्त जो पूर्व प्रोसिक्यूशन ऑफिसर थे उनके द्वारा भी केस को फर्दर लड़ने के लिए अनिच्छा व्यक्त की गई थी। तो इस संबंध में जो लेटर्स हमें मिले थे वो हम लोगों ने सचिव विधि महोदय को प्रेषित कर दिए थे और शासन स्तर पर जो निर्णय लिया गया उसमें एक नवीन अधिवक्ता। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोटद्वार के कौड़िया गबर सिंह कैंप वार्ड नंबर 7 में रहने वाले स्थानीय निवासी बारिश के मौसम में डर के साए में जी रहे हैं। जी हां, हाल ही में 13 जुलाई की बारिश ने अपना रौद्र रूप दिखाया था और लोगों के घरों में पानी भर गया था। अब ऐसे में कल शाम से हो रही बारिश से एक बार फिर उनके घरों में पानी भर गया है, जिसके चलते लोगों ने सारी रात बैठकर बिताए हैं। पहले भी उनके घरों की हालत और वहां उनकी आप बीती सुनने के लिए ना तो कोई प्रतिनिधि और ना ही कोई पार्षद गया। लोगों का कहना है कि प्रशासन ने एक बार आकर दोबारा पलट कर भी नहीं देखा। मैं कह रही हूँ सरकारी लोग सब देख के जाते हैं। कांग्रेस सरकार आती वो कहती हम इस काम को करेंगे, बीजेपी सरकार आती वो बोलती हम इस काम को करेंगे, लेकिन बाद में कोई सुनवाई नहीं होती हम लोगों की। आप घरों की हालत देख रहे हो, क्या हालत है घरों की आप देख सकते हैं, और देखने भी आते हैं नेता लोग, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अभी तक कोई सहायता नहीं मिली और ना ही किसी ने यहाँ पे आके देखा है, और हमारा इतना नुकसान हो चुका है कि किसी ने भी हमें हमारे लिए अभी तक कोई वो भी नहीं करी मदद। उधर ही देख के चली गई और क्या बोलते उसे, हमारा अगर ये पुल बन जाएगा तो हमारे घर में फिर पानी नहीं आएगा, और क्या बोलते सर हमारे घर का इतना नुकसान हो चुका है, हमारे कपड़े तक ओढ़ने पहनने के जो नए पुराने थे रिजाई विजाई सब खराब हो चुकी है, और क्या बोलते इतना पानी था हमारे 9-9 फीट पानी था हमारे मकान के, आधे आधे मकान हमारे डूब चुके थे और किसी ने भी तक आके यहाँ पे देखा तक नहीं कि यहाँ पे क्या हालत हो रही थी और क्या नहीं। सन 2017 से इतना नुकसान हो रहा है जिसे को जवाब नहीं मारा। पहली बात अब भी 60-70 आकर नीचे हूँ जो मेरे घर में नुकसान हुआ है, आप उसको देखिए जिसका नुकसान हुआ, जिसको नहीं हुआ तो उसको दिखाने से फायदा क्या है, हकीकत जो है वो देखिए आप क्या सही है क्या गलत है। रात को हमें नींद नहीं आ रही है, हमारे बच्चे साले इतना परेशान है, हमारे पाँव में साले एलर्जी हो रखी है, हम इतना बहुत दुखी हैं इस चीज़ से, इस जीवन से जहर देख दे तो चला वो सही है, हम जाना चाहते हैं इस जीवन को, हमारा पुल बनना चाहिए ये। पहली बात आज तक इसकी सुनवाई नहीं हुई, कई बार इसकी रिक्वेस्ट कर दी, अभियान दे रखी है, सर्वे भी हो चुका है, लेकिन बन नहीं रहा, बनने में आ ही नहीं रहा। देखो कि हमारा इतना नुकसान हो रखा, पूरी मकान नीचे बैठ चुका है हमारा, है ना, और फिर हमारा जितना सामान था वो सब बह चुका। खंडूरी जी आई थी हमारे लिए, क्या कह गई, कहते कि जी हाथ जोड़कर नमस्कार, हम उनके लिए कि हम कितना कर रहे हैं, इनकी 2-3 मौत हुई तब आई थी वे, उससे पहले कोई उसने कोई हमारे लिए कोई सहायता नहीं की। मंत्री जी जो पहले आए थे, जो पहली बहती आई थी, जो भी कोई अंतर नहीं हमारे लिए, कुछ नहीं हुआ, और ये इतना मलबा पड़ा है, ये उन्होंने फ़ोन किया, गाड़ी आई,
वो जो गाड़ी मलबे के लिए निकालने के लिए आई थी वो भी नहीं निकाल सके, फ़ोन करके उन्होंने पीछे वापसी कर लिया, जिसका भी आया होगा वो वापसी हो गया। हमें कोई सहायता कुछ नहीं मिल चुक रही, मेरी तरफ से हमें कोई मदद नहीं मिली, घर के मतलब जितने भी कपड़े थे सब मतलब नुकसान हो चुका है, यहाँ तक कि खाने पीने का जो सामान था सब बेटी ने नुकसान कर दिया, ना ही घर में रहन सहन का कुछ भी कोई भी सामान नहीं बचा हुआ, यहाँ तक कि कोई देखने तक भी नहीं आया, ना तो कोई ऑप्शन उठाया इस बात के लिए कि क्या मतलब कुछ सहायता मिली या नहीं मिली, इस बात की एक बार की देख रेख भी नहीं की, खाने पीने का सामान तक भी नहीं देखा कि हाँ सामान है या घर पर नहीं है, कपड़े जो थे वो भी सब बह चुके हैं। देखिए ऐसा है कि उस दिन जो बरसात हुई थी उससे कुछ जलभरा हुआ था, कुछ मकानों में पानी भी गया हुआ था, लेकिन जो हमारे आपदा के मानक है उसमें अगर दो दिन तक यदि कोई मकान या भवन जलभराव की स्थिति में रहता है तभी उसे आपदा के तहत मानो हम लोग उसमें अहितुक राशि दे सकते हैं, क्योंकि वो मानकों से आच्छादित नहीं हो पा रहे थे, इसलिए उनको गवर्नमेंट की तरफ से जो मानक है उससे उनको आच्छादित नहीं किया जा सका और उनको सहायता दी नहीं जा सकी। बताया दो चीज़ें बताई मैंने ना आपको ना, क्योंकि दो एक्चुअली मुझे नॉर्म्स हैं, नॉर्म्स में ये है कि अगर जलभराव हो रहा है काफ़ी देर तक जलभराव रहता है तभी माना जाता है कि वहाँ पर कोई नुकसान हुआ होगा, क्योंकि दो चीज़ें हैं कि अगर आपका अगर दो दिन तक लगातार जलभराव होने से वहाँ पर रहता है जो हमारे आपदा के मानक हैं उसके तहत तभी हम उनको मुआवजा दे पाते हैं, तभी अहितुक दे पाते हैं। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए।